वेबसाइट बनानी पड़ेगी ऐप बनानी पड़ेगी फेसबुक कैम्पेन्स बनाने पड़ेंगे विच साउंड अ लिटल इंटरेस्टिंग बट दैट्स नॉट अ रियलिस्टिक अप्रोच बिकॉज यू नो वेबसाइट बनाना ऐप बनाना कैंपेन बनाना इसमें काफ़ी ज़्यादा यू नो एफर्ट लगता है टाइम लगता है मनी लगती है जो कि यू नो एवरीबडी कैनॉट अफोर्ड दैट सो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं मैं एक एडवांस अप्रोच बताऊंगा जो कि थोड़ी सी ट्रेडिशनल हो सकती है बट दैट्स को ना बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड दैट इज फुल ऑफ टेक्नोलॉजी सो इस अप्रोच का नाम है व्हाट्सएप फॉर बिजनेस व्हाट्सएप फॉर बिजनेस बहुत ही अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा अगर आपने इसको ठीक से मास्टर कर लिया व्हाट्सएप फॉर बिजनेस में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहां पर आप क्विक रिस्पॉन्स क्विक रिप्लाई दे सकते हैं यू नो अपने प्रोडक्ट का कैटालॉग बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखा सकते हैं डिलीवरी प्रोसेस समझा सकते हैं अपना वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन सो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट्सएप फॉर बिजनेस कैसे काम करता है और कैसे अपने प्रोडक्ट को आप यू नो पिच कर सकते हो और व्हाट्सएप फॉर बिजनेस को समझने के लिए मैं एक छोटी सी कंपनी ले लेता हूँ जो कि एक मान लो दिल्ली में एक छोटी सी कंपनी है जो कि यू नो घर पर मेडिसिन सप्लाई करती है ये कंपनी दिल्ली में है और ये घर पे मेडिसिन सप्लाई करती है डिस्काउंट वगैरह देके तो नॉर्मली जो जो लोग होते हैं जो मेडिकल स्टोर पे जाके मेडिसिन लेते थे वो अभी अपने घर पे मेडिसिन मंगवा सकते हैं तो बेसिकली आपको परेशानी होना पड़ेगा और ये पूरा बिजनेस रन होता है व्हाट्सएप के थ्रू आई टेल यू हाउ सो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस की स्टेज वन होती है आपका बिजनेस बिजनेस का प्रॉपर डिटेल जब भी आपके अकाउंट पे कोई टैप करेगा तो उसमें सारी डिटेल आ जाएंगी कि आपका बिजनेस क्या करता है आपकी बिजनेस की लोकेशन क्या है आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है टाइमिंग्स क्या है वेबसाइट क्या है ईमेल एड्रेस क्या है ये सभी आपके बिजनेस अकाउंट की बेसिक डिटेल्स होंगी उसके बाद आता है कैटलॉग तो आप अपने बिजनेस का कैटलॉग भी बना सकते हैं कि मेरे बिजनेस के अंदर कितने प्रोडक्ट हैं फॉर एग्जाम्पल उनके दो प्रोडक्ट हैं एक नॉर्मली मेडिसिन सप्लाई करने का और एक है उनके जितने भी सब्सक्रिप्शन सर्विस होती है दोनों का प्राइस है मान लो मिनिमम आप मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं थ्री हंड्रेड रुपीज़ की उससे ऊपर आपका वैल्यू होना चाहिए अगर आप यू नो अपने पेशेंट के लिए कोई मेडिसिन ऑर्डर कर रहे हैं उनका दूसरा प्रोडक्ट है एक सब्सक्रिप्शन सर्विस जिसमें आप यू नो अप फ्रंट कुछ अमाउंट पे करते हैं और उसके बदले में आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है तो ये दोनों हो गए उसके कैटलॉग तीसरा पार्ट आता है अवे मैसेज जो कि सम वो थोड़ा बहुत ऑटोमेशन की तरह काम करता है कि अगर आपका व्हाट्सएप अगर आपका डेटा बंद है व्हाट्सएप ऑन नहीं है तो अवे मैसेज भेज देता है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपको मैसेज किया तो वो आपको ये अवे मैसेज भेज देगा कि थैंक यू फॉर योर मैसेज आई एम अन अवेलेबल राइट नाउ बट आई रेस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल तो ये हो गया एक अवे मैसेज वेल लोग अवे मैसेज को आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं उसके बाद आता है ग्रीटिंग मैसेज अगर कोई इंडिविजुअल आपको पहली बार अप्रोच करता है तो आप उसको एक ग्रीटिंग मैसेज भी भेज सकते हो कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग नवदीप दिस इज माय नेम प्लीज लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प यू सो दिस इज ए अवे मैसेज नेक्स्ट आता है कि आप अपने कस्टमर को कैटलॉग कैसे भेज सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके कस्टमर ने मैसेज किया कि आपका नंबर मुझे इन्होंने दिया मुझे ये ये प्रोडक्ट खरीदने हैं आप मुझे प्रोडक्ट की डिटेल भेज दीजिए तो आप उनको कैटलॉग भेज देते हैं जैसे मैंने दो कैटलॉग भेजे हैं पहला कैटलॉग और दूसरा कैटलॉग तो जैसे ही लोग कैटलॉग पे क्लिक करेंगे उनको कैटलॉग का पूरा डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा कि कैटलॉग में यू नो you know, प्रोडक्ट क्या है उसकी कौन कौन सी फोटोज हैं क्या उसका डिस्क्रिप्शन है क्या वेबसाइट है और कैसे उसकी अलग अलग फोटोज दिखती हैं सो so, इसके थ्रू आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं एंड बिलीव मी ये सिर्फ एक ई फार्मेसी की सिचुएशन है अगर आपकी कोई यू you नो know, परचून की दुकान है आपकी दुकान में चीनी चावल दाल ये सभी चीजें हैं तो आप उसको भी प्रमोट कर सकते हैं व्हाट्सएप और बिजनेस के थ्रू आपकी अगर यू you नो know, बुक शॉप है तो आप लिटरली व्हाट्सएप पे अपनी बुक्स डाल सकते हैं और लोगों को बोल सकते हैं कि हमने व्हाट्सएप के ऊपर अपना डाला हुआ है प्लीज हमारे व्हाट्सएप पे आइए और बताइए आपको कौन सी चीज खरीदनी है सो दिस इज अ काइंड ऑफ ए माइक्रोसाइट जो कि एक छोटी वेबसाइट की तरह काम करती है जहां पर लोग अपने प्रोडक्ट या फिर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं सो आई होप आप लोगों ने व्हाट्सएप फॉर बिजनेस इंस्टॉल कर लिया होगा और आप फटाफट कैटलॉग बना रहे होंगे अभी हम लोग मेन पे फोकस करेंगे जो कि है व्हाट आर द डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स सो कॉल्ड टच पॉइंट जहां पर आप अपने कस्टमर को टच कर सकते हैं अगर वो अपने कंटेंट को किसी भी तरीके से कंज्यूम कर रहा है तो पहला आता है फिजिकल लोकेशन आपका कोई भी प्रोडक्ट हो ऑब्वियसली कभी ना कभी आप उसको फिजिकल लोकेशन पे आपको बेचना पड़ता है यू नो ब्रिक एंड मोटर स्टोर मोस्ट मोस्टली वहां पे यूज होता है जहां पे रेस्टोरेंट होते हैं यू नो फैशन लाइन होती है क्लोदिंग इन्वॉल्व होती है और वो सारे डायमेंशन इन्वॉल्व होते हैं जहां पे टच एंड फील की चीजें आ जाती हैं कि यार ये चीज मैं तभी खरीदूंगा जब मैं इसको टच करूंगा या फिर फील करके मैं देखूंगा तो वहां पर फिजिकल लोकेशन ब्रेक एंड मोटर स्टोर बेस्ट होते हैं जहां पर टच एंड फील वाला डायमेंशन कम होता है वहां पे लोग ऑनलाइन भी परचेज कर लेते हैं दूसरा चैनल आता है डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग आपका जो भी बिजनेस है उसको आप डिजिटल मीडिया पे डिजिटल मार्केटिंग पे प्रमोट कर सकते हैं उसके अंदर आपके जो माइक्रोसाइट आ जाती हैं आपकी जो यू नो थर्ड पार्टी रिटेलर्स आ जाते हैं जैसे अमेजोन यू नो खुद की वर्ड वेबसाइट खुद की शॉपिफाई स्टोर ये सभी डायमेंशन आ जाते हैं तीसरा आता है प्रिंट मीडिया ऑब्वियसली न्यूज पेपर वगैरह मैगजीन वगैरह येलो पेजेस वगैरह ये सभी प्रिंट मीडिया के फॉर्म है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं आई टेल यू इन डिटेल हाउ एंड वाई वी आर प्रोमोटिंग ए इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑन दीज मनी चैनल्स मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे बेस्ट प्रमोट करना है फोर्थ आता है टेलीकॉलिंग जो कि काफी पुराना तरीका है कस्टमर को एक्वायर करने का बट अभी भी काफी लोग यूज करते हैं टेलीकॉलिंग वाला टेक्निक फिफ्थ आता है डायरेक्ट सेल्स फोर्स डायरेक्ट सेल्स फोर्स यूज होता है जहां पर आपका बी टू बी प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं जहां पर हाई वैल्यू प्रोडक्ट होते हैं जैसे आपका कंस्ट्रक्शन में मटेरियल सप्लायर में बल्क परचेज में वहाँ पर आपके डायरेक्ट सेल्स फॉल इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पर जो परचेज और जो टिकट साइज होता है वो काफी हाई होता है तीसरा आ जाता है सिक्स आ जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ए पिरामिड स्कीम जो कि एफ एम जितनी भी ब्रांड होती हैं वो करती है, MV, Westies, RCM, यूज करती हैं जैसे एम वे वेस्टिज आर ये सभी कंपनीज यूज करती हैं और इवन सेवंथ गया पिरामिड स्कीम जो कि हम लोगों को आ, जो कि किर टू सिमिलर टू एम बट थोड़ा सा रिस्की होता है अभी मैं आप लोगों को कुछ फोटोज दिखाऊंगा उस फोटोज के ऊपर आप थोड़ा सा सोचना और बताना मुझे कि आपको देख के क्या लगता है बल इस पहली फोटो को देख के आपको क्या लगता है ये किसी रूरल एरिया की फोटो होगी जहां पर लोग अपना सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने निकले हैं और कुछ छोटा मोटा दुकान वगैरह भी दिख रही है यहाँ पे चलो ठीक इस दूसरी फोटो में क्या देखने को मिलता है वेल well, ये रूरल एरिया नहीं है ये थोड़ा सा टीयर टू टीयर थ्री स्टेज है जहां पर लोग अपना सामान खरीदने के लिए निकले हैं क्योंकि यहाँ पे सड़कें थोड़ी साफ हैं यू you नो know, दुकानें अच्छी बनी हुई हैं वेल well, ठीक है तीसरी फोटो दिखाऊंगा मैं आपको इस फोटो को देख के आपको लग रहा होगा कि यार ये कोई मेट्रो सिटी की फोटो है जहां पर फैमिली अपना शॉपिंग करने निकली है किसी रिटेल स्टोर पे मोर लेस लाइक सुपर मार्केट और हाइपर मार्केट वेल सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन तीनों फोटो के बीच में डिफरेंस क्या है फिर well, मैं आप लोगों से कुछ डिफरेंस पूछना चाहता हूं इन तीनों फोटो को देखने के बाद नॉट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिक डायमेंशन बट इन टर्म्स ऑफ यू नो कस्टमर पर्सपेक्टिव और कस्टमर स्पेंडिंग पावर आप लोग बोलोग क्या रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उनके पास पैसा खर्च करने को कम होता है यू you नो know, uh, जो टीयर थ्री टीयर फोर में रहते हैं उनके पास थोड़ा ज़्यादा होता है और मेट्रो सिटीज़ में लोगों के पास खर्च करने का पैसा बहुत ज़्यादा होता है जिसको हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं तो रूरल एरिया में डिस्पोजेबल इनकम कम है तो ऑब्वियसली जो रिटे, जो ये सामान बेचने वाले सब्जी मंडी में जो लोग बैठे हुए हैं ऑब्वियसली ये काफ़ी सस्ते में अपना सामान बेचना पड़ता है इनको जिसकी वजह से ये प्रॉपर जो छोटी सी जो दुकान होती है वो अफोर्ड नहीं कर पाते इसलिए ये लोग सड़क पे बैठते अपनी सब्ज़ी बेचने के लिए ताकि वही सब्जियां आपको सस्ते दाम पे प्रोवाइड कर सकें बिकॉज अगर दुकान खोलेंगे तो दुकान का किराया देना पड़ेगा और सब्जियां महंगी हो जाएंगी उस, उस वजह से सेकेंड uh, सिचुएशन भी समवोट ऐसे ही काम करती है तो ये लोग थोड़ा सा सड़क के ऊपर आए हुए हैं बट हल्का सा ऑर्गेनाइज है बट थर्ड सिचुएशन में क्योंकि हाइपर और सुपर मार्केट एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं और जितने भी जो लोग हैं जिनके पास काफी अच्छे अमाउंट में पैसा है वो चाहते हैं कि वो अच्छी जगह से एकदम शॉपिंग करने जाएं पूरा एक्सपीरियंस मिले उन लोगों को तो ऑब्वियसली डिस्पोजेबल इनकम मेट्रो सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा होती है अभी बात कर लेते हैं एज डेमोग्राफिक की जितने भी यूथ होते हैं वो मेट्रो सिटी के अंदर जाके जॉब करते हैं जिनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है जैसे आपको आपके आसपास जितने भी अच्छे अच्छे लोग होंगे वो मेट्रो सिटीज़ के अंदर जॉब कर रहे होंगे उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली जब आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है तो आप काफ़ी ज़्यादा रुपए यू नो इधर उधर के सामान को खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो एज डेमोग्राफिक भी होता है कि यहां पे यूथ ज्यादा होता है और जिसकी इनकम भी ज्यादा होती है इवन रूरल एरिया और टीयर थ्री एरिया के अंदर भी यूथ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा होती है बट उनके पास एक्चुअल में इनकम शोर्स काफी कम होता है जबकि मेट्रो सिटी के अंदर इनकम शोर्स काफी अच्छा होता है तीसरा फैक्टर आ जाता है अवेयरनेस का अवेल uh, well, uh, अगर मार्केट के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है या फिर नया प्रोडक्ट आ रहा है तो जो मेट्रो सिटीज के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा अवेयर होते हैं जबकि रूरल एरिया और टी एर के लिए थोड़े से लोग कंजर्वेटिव होते हैं थोड़े से कम अवेयर होते हैं बट टिकटॉक आने के बाद लोग नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं नई नई चीज़ें देख रहे हैं माइट नॉट बी आई एम नॉट गिविंग राइट एग्जाम्पल बट या आप लोग समझ गए होंगे कि जितनी भी ई e कॉमर्स वेबसाइट आई हैं इनको यू नो इनसे इंट्रैक्ट करने के बाद लोग काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं वैल थोड़ा सा अभी डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं अब आपको लगेगा कि यार मैं ये चीज़ें ऐसे ही वैलिडेट तो नहीं कर रहा हूँ वैसे थोड़ा डेटा को समझ लेते हैं डेटा को समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले है कि हमारे पास कितने हाउस होल्ड हैं अभी रूरल एरिया अर्बन एरिया में तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 37 करोड़ लोग रहते हैं अर्बन एरिया में या फिर सिटीज में और 83 करोड़ लोग रहते हैं रूरल एरिया में इसका मतलब अभी भी इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा रूरल एरिया में रहता है वेल well, अगर हाउस होल्ड की बात करें तो सोलह करोड़ हमारे पास घर है रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में आठ करोड़ घर हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि रूरल एरिया में काफी बड़ा इंडिया अभी भी रह रहा है अगर हम लोग मीडियम हाउस होल्ड पर कैपिटल इनकम की बात करें तो यू you नो know, रूरल एरिया के अंदर जो पर कैपिटल इनकम है वो कम है अर्बन एरिया के अंदर वो लगभग दो गुना या तीन गुना ज्यादा है जो कि ऑब्वियस है बिकॉज मेट्रो uh, सिटीज you know, uh, और अर्बन एरिया के अंदर काफ़ी अच्छी जॉब लगी हुई है लोगों को और काफी अच्छे अमाउंट में वो पैसा अर्न कर लेते हैं अभी फैक्टर की बात कर लेते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम रूरल एरिया में कम है अर्बन एरिया में ज्यादा है लिटरेसी जो है वो रूरल एरिया में मीडियम है इसका मतलब रूरल एरिया में लोग अनपढ़ नहीं है बट काफ़ी अच्छी अमाउंट में पढ़े लिखे लोग हैं ऑल वो यू नो हायर एजुकेशन तक नहीं पहुँच पाते हैं शायद ट्वेल्थ में ही उनको जॉब छोड़नी पड़ती है और अपना जॉब वगैरह सर्च करनी पड़ती है डिफरेंट थिंग बट या अर्बन एरिया में काफी हाई ना हाई लिटरेसी वाले लोग रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यू नो रूरल एरिया में थोड़ा ढीरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बिकॉज वहाँ पे अच्छे रोड्स नहीं होते कुछ रूरल एरिया में पानी की प्रॉब्लम भी है इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी है मैंने ये चीजें काफी ज्यादा टाइम तक फेस की हैंट्स वाई आई नो अब दीज थिंग्स यू नो इन वेरी मच डिटेल्ड वे अर्बन एरिया काफी डेवलप होता है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम होती है वो नॉर्मली लोगों को फेस सो आई होप आप लोगों ने व्हाट्सएप फॉर बिजनेस इंस्टॉल कर लिया होगा और आप फटाफट कैटलॉग बना रहे होंगे वेल ऑब्वियसली इसका जो मेन जो एक डायग्राम था वो मैंने आप लोगों को दिखाया था जिसके अंदर पहला जो ऑप्शन था वो था ब्रिक एंड मोटर स्टोर जो कि एक नॉर्मल ऑफलाइन रिटेल स्टोर होता है और एक यू you नो know, दुकान जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल भाषा में वो जो नॉर्मल ब्रिक एंड मोटर स्टोर होता है वो यूज किया जाता है अगर आपको कोई रेस्ट्रों है हॉस्पिटल है फैशन चेन है तो ऑब्वियसली वहां पे चीजों को टच और फील करने का जो एलिमेंट इन्वॉल्व होता है तो लोग अक्सर चीज़ों को छूते हैं पहन के देखते हैं ट्राई करते हैं तो इसलिए उसका यू नो ब्रिक एंड मोटर स्टोर खोलना पड़ता है आप उस चीज़ को ऑनलाइन नहीं कर सकते वैसे तो आजकल यू नो हॉस्पिटल भी काफ़ी ऑनलाइन हो गए हैं uh, काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं जहाँ पर आप ई e कंसल्टेशन ले सकते हैं फैशन चेन के लिए मिंत्रा जैसी एप्लीकेशन है और उसके अलावा फूड रेस्टोरों के लिए जोमेटो स्विगी बट स्टिल लाइक अभी तक तो, अभी जहाँ तक मुझे लगता है रेस्टोर हॉस्पिटल और फैशन चेन में जो पेनिट्रेशन है वो लेस देन टेन परसेंट है मतलब नाइन्टी परसेंट लोग अभी भी ऑफलाइन ब्रिक एंड मोटर स्टोर पे ही डिपेंड रहते हैं वैल well, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ फॉर एग्जांपल तीन एरिया हैं एक है रूरल एरिया एक है टीयर टू टीयर थ्री सिटी और एक है मेट्रो सिटी जैसे डेली हैदराबाद बेंगलोर चेन्नई मुंबई पुणे एंड कैलकाटा तो मेट्रो सिटी के अंदर आप कौन सा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करोगे फॉर एग्जाम्पल रो प्रेसरी जूस है जिसको कोल्ड प्रेस जूस बोलते हैं बेसिकली ये एक हाइड्रोलिक प्रेस जूस होते हैं जबकि ये जो नॉर्मल जूस होते हैं जैसे रियल वगैरह ये सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से बनते हैं सो so, ये जो रो प्रेसरी वाले जो जूस होते हैं ये थोड़े से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं ये जो आपको टू हंड्रेड की जो बॉटल दिख रही है ये आपको लगभग सौ में मिलती है जबकि जो रियल वगैरह की जो जूस होते हैं वो आपको यू नो हाफ लीटर की बोटल नियरली हंड्रेड रुपीज़ में देखने को मिल जाती है सो दीज आर लिटल एक्सपेंसिव तो अगर आपको ऐसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेचने हैं तो ऑब्वियसली आप मेट्रो सिटीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे जबकि आप रूरल एरियाज़ के लिए छोटे सेशे इंट्रोड्यूस करते हैं और यू नो जहाँ तक मुझे लगता है ये रेडी टू ड्रिंक कोल्ड कॉफ़ी लगभग मेट्रो सिटी में भी काम करेगी अच्छे तरीके से टीयर वन टीयर टू में भी काम करेगी रूरल एरिया में थोड़ा सा डाउट है इसके ऊपर मुझे वैसे इसके बारे में हम लोग बोटन ऑफ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी स, अभी चल लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग तो आपका कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसकी आपको डिजिटल प्रेजेंस भी बनानी होती है बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाव ए डेज लोगों को किसी भी चीज के बारे में कुछ भी जानना है वो सबसे पहले गूगल करते हैं तो आपको डिजिटल प्रेजेंस बनानी पड़ती है एंड बिलीव मी लोगों को सो लगता है कि डिजिटल प्रेजेंस बनाना इज़ वेरी इजी बट फ्रेंकली स्पीकिंग आर इट्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज यू नो डिजिटल चैनल इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं आपको एस करना पड़ता है यू you नो know, आपको रेफरल्स बनाने पड़ते हैं बैकलिंग्स बनाने पड़ते हैं पूरा कैटलॉग डेवलप करना पड़ता है ओथेंटिसिटी यू नो टेस्टिमोनियल्स रीटार्गेटिंग एफिलियट कैम्पेन्स यू नो ऑनलाइन डिस्प्ले एड बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं तब जाके आपकी एक अच्छी डिजिटल प्रेजेंस बन पाती है आपके एक अच्छे प्रोडक्ट की वेल well, सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं वेल well, सबसे पहला एडवांटेज है लो कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट ऑब्वियसली अगर आपको टीवी पे ऐड चलानी है न्यूज में ऐड देनी है और इवन रेडियो पे ऐड देनी है दोज थिंग्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव करोड़ों में रुपए लग जाते हैं इंडस्ट्री को वो यू you नो know, एक नॉर्मल सी एडवर्टाइजमेंट अगर आपको टी वी पर देनी है फ्रंट कवर पर देनी है जिसको जैकेट एड भी बोलते हैं न्यूज पेपर के जो फ्रंट पेज पर आती है फुल फ्लैच पेज पे तो लिटरली उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं जबकि अगर आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चलानी है तो सिंपल आप चालीस रुपए पर डे में ऑनलाइन एड्स चला सकते हैं फेसबुक के ऊपर इवन फेसबुक तो आजकल फ्री क्रेडिट दे रहा है एड चलाने के लिए और गूगल भी क्रेडिट दे रहा है फ्री इसका मतलब कि आप को लगभग दो सौ की फ्री क्रेडिट मिलेंगे फेसबुक और गूगल के ऊपर गूगल पे तो लिटरली और भी ज्यादा रुपए के क्रेडिट मिलते हैं उसके अलावा डिजिटल मीडिया की हेल्प से आप फोकस ग्रुप टारगेटिंग कर सकते हैं होता यह है कि अगर आपको आप एक सप्लीमेंट की एड टीवी पे चलाते हैं तो सौ लोग जो उस एड को देख रहे हैं उसमें से हार्डली दो यूजर मिलते हैं जो कि सच में जिम जाते हैं और सप्लीमेंट प्रोटीन पाउडर वगैरह यूज करते हैं जबकि अगर आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बनाएंगे तो आप प्रॉपरली सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये एड सिर्फ उन लोगों को दिखाई दे जो लोग जिम में जाते हैं जो लोग वर्कआउट करते हैं और सप्लीमेंट यूज करते हैं और उसके बैकहेंड में बहुत बड़ा एलोग्रिदम काम करता है उसके बारे में शायद हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर मैं एक प्रॉपरली डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक पूरा कोर्स बना दूंगा उसमें शायद हम लोग बैकहेंड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे फेसबुक और गूगल आइडेंटिफाई कर पाता है कि तुम क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो किस टाइम पे उठ रहे हो किस टाइम पर रहे हो किस टाइम पर सो रहे हो तो एक पूरा एलोग्रिदम होता है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे बट बट हाँ लिटरली आपका बहुत ज्यादा पैसा बच जाता है अगर आप फेसबुक और गूगल पे एड कैंपेन चलाते हैं क्योंकि वो बहुत ही फाइन तरीके से आपकी ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो जो सप्लीमेंट यूज कर रहा है जिम जा रहा है सिर्फ उन्हीं को एड दिखाई देगी तो ऑब्वियसली जो कन्वर्जन रेट है वो बढ़ जाता है तो इनिशियली आप आप यू नो टीवी में सौ लोगों को जो एड दिखा रहे थे उसमें उसमें से सिर्फ दो लोग ही जिम जा रहे थे और सप्लीमेंट ले रहे थे तो उन दो लोगों में से भी शायद कोई ना खरीदे जबकि अगर आप वही एड सौ उन लोगों को दिखाएं जो जिम जाते हैं तो शायद उसमें से दस लोग खरीद लें तो डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फोकस ग्रुप टारगेटिंग के क्या फायदे होते हैं और यू you नो know, मास मार्केटिंग के क्या फायदे होते हैं वेल मास मार्केटिंग का भी अपना एक फायदा होता है अगर आपको कोल्ड ड्रिंक की एड चलानी है तो आप टीवी पे चलाओ आपको बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस मिलेगा चाहे वो मेल हो फीमेल हो बच्चे हों बूढ़े हों कोल्ड ड्रिंक सबको पीनी होती है उसके अलावा थर्ड फैक्टर आ जाता है पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स का सिंपल सा फंडा होता है कि जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो भी एक्सपेंस आप कर रहे हैं वो एक्सपेंस कम होना चाहिए और रेवेन्यू या इन शॉर्ट प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए तो जब अब भी आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं या फिर डिजिटल कैंपेन बनाते हैं तो आप पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक ट्रैक कर पाते हैं कि जितना मैं पैसा खर्च कर पा रहा हूँ उससे ज़्यादा का मुझे प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा ताकि मैं यू नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन में रहूँ उसके अलावा जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा यू नो ऑपरेशनल एफिशिएंट होती है बिकॉज यू नो ऑफलाइन के अंदर आपको लोगों को भेजना पड़ेगा यू नो एड्स बनवाने पड़ेंगे चलवाने पड़ेंगे डील्स करनी पड़ेंगी जबकि ऑनलाइन कैंपेन्स ऑटोमेशन के ऊपर काम करते हैं आप बस डेट डाल दो कि मेरा कैंपेन इस डेट से इस डेट के बीच में इस टाइम से इस टाइम के बीच में चलना चाहिए वो अपने आप चलेगा और आप उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा और आपका पूरा एनालिटिक्स उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है अब इस ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट को समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा फॉर एग्जांपल मैं कल को डेली के अंदर एक यू नो सप्लीमेंट ब्रांड शुरू करता हूं प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड शुरू करता हूँ व्हाइट लेवल प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड वाइट लेवल का मतलब यह होता है कि मैं खुद कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करूंगा कोई भी रैंडम एक्स वाई जेड मैनुफैक्चर होगा डेली के अंदर जो कि प्रोटीन यू नो इंपोर्ट करता होगा बड़ी बड़ी कंपनी से जैसे डेविस्को सपूटो और उनको यू नो लेबल करके उन आ, आ, उन, उन प्रोडक्ट को और बेचता होगा इधर उधर की कंपनीज में तो ऑब्वियसली मैं उस पर अपना लोगो लगवा लूंगा कि रीडिफाइन नाम से मेरे को एक यू नो प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड शुरू करनी है जिसका इंग्रेडिएंट यू नो क्वालिटी कंट्रोल एफ अप्रूवल सब आप लोग देखोगे मुझे सिर्फ अपना ब्रांड का लोगो लगाना है और मैं उस प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा यू अपने यूट्यूब चैनल की हेल्प से फॉर एग्जांपल मान लो मैं कल को एक फिटनेस यूट्यूबर हूं मैं जिम जाता हूं वीडियोस बनाता हूं लोगों को गाइड करता हूं कैसे बॉडी बनानी है मसल्स बनानी है तो मैं वहां पर अपने प्रोडक्ट को पुश भी कर सकता हूं और ऑब्वियसली जब मेरी खुद की सप्लीमेंट ब्रांड होगी तो वहां पर मैं

Xiaomi और एप्पल स्टोर वल अगर आपको अपने जो स्मार्टफोन बेचने हैं तो उसके अंदर काफ़ी से बड़ी सेगमेंट ऐसी होती है जो आपके स्मार्टफोन को ऑनलाइन ख़रीदना पसंद करती है जैसे कि 20 साल से लगभग 30 साल के बीच में जो यूथ है वो चाहता है कि वो अपना जितने भी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदे वो ऑनलाइन खरीदे बिकॉज सस्ते मिलते हैं एक जगह से फुलफिलमेंट होता है ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है तो आपको वही स्मार्टफोन लगभग पंद्रह सौ हजार रुपए सस्ते में मिल जाता है आप, you know, तो। अगर आप यू नो फ्लिपकार्ट और अमेजोन से खरीदोगे तो जबकि अगर आप एम आई स्टोर या फिर एपल स्टोर से जाके प्रोडक्ट को खरीदोगे तो थोड़ा सा प्रोडक्ट महंगा पड़ता है आप लोगों को बट कंपनीज एक अलग सेगमेंट को टारगेट करती हैं अपने ऑफलाइन ब्रिक एंड मोटर स्टोर की हेल्प से फॉर एग्जाम्पल आपके पापा को चाचा को या फिर दादाजी को अगर एक स्मार्टफोन खरीदना है खुद से तो वो जनरली एक स्टोर पे जाके खरीदना पसंद करता है तो जो लगभग चालीस पचास साठ साल के जो लोग होते हैं जो एज एज हो, होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली यू नो ऑफलाइन स्टोर पे जाते हैं और फिर अपना स्मार्टफोन या फिर बाकी सारी छोटी मोटी चीजें खरीदते हैं अभी मैं इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टच करने वाला हूँ जो कि है डिजिटल मीडिया के ऊपर कि कैसे आपके जो फेवरेट यूट्यूबर हैं इन्फ्लुएंसर हैं ब्लॉगर हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं YouTube की हेल्प से एंड बिलीव मी दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज अगर आप लोगों को लगता है कि यार ये लोग जो YouTube पे वीडियोस बनाते हैं मेरे लिए ये पैसा कमाते है कैसे हैं वेल well, मैं बताता हूँ वेल well, इनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू वैसे तो गूगल एड होता है बट उसके अलावा भी जो अलग सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं मैं उनके ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ब्रांड बिल्डिंग यू नो मार्केटिंग चैनल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर पहला मैं एग्जाम्पल लूंगा फ्लाइंग बीस्ट का जो कि एक ब्लॉगर है जो कि व्लॉग्स बनाते हैं अलग अलग जगह पे जाके और इनका अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो यहां पर आपको एफिलिएट लिंक मिलेंगे ये जो लिंक होते हैं ना ए एम जेड एन डॉट टीओ ये एफिलिएट लिंक होते हैं जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो फाइव से सेवन परसेंट के आसपास का कमीशन पर परचेज के हिसाब से इन लोगों को मिल जाता है तो काफी एक अच्छा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग का इसका मतलब कि एमेजॉन बोलता है कि तो जो नया कस्टमर है उसको आप एमेॉन के ऊपर लेके आओगे और अगर वो कोई प्रोडक्ट अमेजोन से खरीदेगा तो आपको पांच परसेंट कमीशन देंगे बट वो कस्टमर आपके एफिलिएट लिंक से आना चाहिए इसका मतलब अगर फ्लाइंग बिस्ट बोलता है कि मैं जो कैमरा यूज कर रहा हूं वो अगर आपको खरीदना है तो इस लिंक के ऊपर जाओ तो जैसे कस्टमर इस लिंक के ऊपर जाएगा वो एमेजॉन की वेबसाइट पर लैंड होगा तो जैसे ही वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद देगा तो ऑब्वियसलीसेंट कमीशन के लिए कस्टमर लेके आया है तो ये तो हो गया एफिलिएट लिंक दूसरा आ जाता है प्रमोशनल क्रॉस प्रमोशन सॉरी और ये uh, एक चैनल है फिनोवेशन जेड करके जो कि फिनेंस रिलेटेड वीडियोज बनाता है इनके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होते हैं कि अगर आपको यू नो फेंस के ऊपर एक कोर्स करना है स्टॉक मार्केट के ऊपर अगर कोई कोर्स करना है तो आप एक कोर्स कर सकते हैं और शायद ये लोग सर्टिफिकेट भी देते होंगे तो इनका जो वेबसाइट है उसको क्रॉस प्रमोट गौरव चौधरी का जो कि टेक्निकल गुरुजी नाम से you know, तो गौरव चौधरी जो है वो यूज करते हैं रीडायरेक्टेड टोकन रीडायरेक्टेड टोकन का मतलब होता है कि इन्होंने लो वीडियो के शुरुआत में बोला कि दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय अपस्टॉक तो अपस्टोक एक रीडायरेक्टेड टोकन देगा टेक्निकल गुरुजी को जिसकी हेल्प से वो ट्रैक कर पाएगा कि टेक्निकल गुरुजी के कितने जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने अपस्टॉक के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा ये जो बिट डॉट एलवाई स्लैश करके तो उसके ऊपर एक स्ट्रिंग अटैच होती है रीडायरेक्टेड टोकन जिसको हम बोलते हैं और जैसे ही वो कस्टमर इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा स्टोक को पता चल जाएगा कि वो कस्टमर किसकी हेल्प से किस यूट्यूबर की हेल्प से उनकी वेबसाइट पे आया है और अगर कस्टमर सच में Upstock के ऊपर अकाउंट खुलवा लेता है इन्वेस्टमेंट वगैरह कर देता है तो उस सिचुएशन में काफी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन यू नो गौरव चौधरी को या फिर टेक्निकल गुरु को मिल जाते हैं उसके अलावा एक और ब्लॉगर जिसको आप जानते हो गए मुंबई कर निकल करके है वेल उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई मुझे यू नो एफिलिएट लिंक या फिर रीडायरेक्टिव टोकन नहीं देखने को मिले बट हां उसकी जो वीडियोस अगर मैं अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखोगे तो आपको ये यूट्यूब की मोस्ट ऑफली गूगल की एड्स देखने को मिल जाती हैं जो कि सम वोट काफी अच्छा रेवेन्यू दे देता है यूट्यूबर को तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अड्डा टू फोर सेवन की एड आ रखी है इसमें बोल रखा है टीचिंग महापैक इन जस्ट टू सेवन फोर नाइन थ्री मंथ ऑफ सब्सक्रिप्शन तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली क्लिक करने का थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिलता है उस इंडिविजुअल यूट्यूबर को यू you नो know, अगर आपको नॉर्मल एड पॉपअप एड का मिल रहा है थर्टी पैसा तो क्लिक करने का डेढ़ रुपया मिलता है काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन एग्जैक्टली इनका प्राइस वेरी करता है पर्सन टू पर्सन सिचुएशन टू सिचुएशन अभी अगर आपको अपनी कंपनी की ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है तो आपको अपनी कंपनी का एस ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा तो आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं आपका खुद का स्टार्टअप है या फिर आप एज ए मैनेजर किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका यू नो ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए आ जाता है एस और एस को समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूंगा आप गूगल पे जाओ और वहां पर सर्च करो uh, कि बाय शूज़ ऑनलाइन नॉर्मली लोग सर्च करते हैं कि मेरे को शूज़ खरीदने ऑनलाइन हेल्प मी आउट तो जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे बाय शूज़ ऑनलाइन तो आपको सबसे पहले एक स्पॉन्सर्ड ऐड दिखाई देती हैं ये कैटलॉग के फॉर्म में तो एक्चुअल में ये स्पॉन्सर्ड एड होती हैं जो कि गूगल यू नो कंपनीज यूज करती हैं ताकि वो गूगल के टॉप सर्च रिजल्ट में आ सकें तो आप देख पा रहे होंगे आ ने कर रखा है क्लॉक्स इंडिया ने कर रखा है आ जी ओ एल बी बी पूमा इंडिया इसका मतलब ये कंपनी चाहती हैं कि ये गूगल के एस सी आर पी जिसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज उसके टॉप पे आए ताकि इनके प्रोडक्ट दिख सकें और यू नो लोग इनके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकें बट इस स्पॉन्सर्ड एड के नीचे आपको दो और वेबसाइट दिख रही होंगी पहली है फ्लिपकार्ट दूसरी है एमेजोन और ये दोनों वेबसाइट इंडिया की टॉप मोस्ट वेबसाइट हैं ऑब्वियसली इन दोनों वेबसाइट ने अपना एस इतना ऑप्टिमाइज कर रखा है कि अगर आप बाय से रिलेटेड कोई भी वर्ड डालोगे फिर चाहे वो बाय शूज़ हो बाय बॉटल हो लैपटॉप हो, हो स्मार्टफोन हो ये दो वेबसाइट सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर पे आपको देखने को मिल जाएंगी बिकॉज इनका ऑन साइट और ऑफ साइट एस बहुत स्ट्रांग है आप लोग बोले कि ऑन साइट होता है well, आपकी वेबसाइट का जो इमेज होता है वेल आई एम रियली सॉरी मैं सभी चीजों को उतना डिटेल में एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाऊंगा बिकॉज यू you नो know, एक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोर्स नहीं है एक एम के ऊपर कोर्स है तो शायद मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक अलग से कोर्स बना दूं आप चेक कर सकते हैं अगर शायद कोई कोर्स बना हुआ होगा अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे होंगे तो वेल ये तो हो गया डिजिटल मीडिया के ऊपर अभी बात कर लेते हैं प्रिंट एड के बारे में और प्रिंट एड को समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूंगा फॉर एग्जाम्पल मार्केट के अंदर दो नए स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं पहला है रेडमी नोट फाइव प्रो दूसरा है आईफोन एक्स आर अभी मुझे बताइए कि आपने दैनिक भास्कर अखबार पढ़ा होगा कभी तो दैनिक भास्कर अखबार में ये टॉप पे एडा रखी होगी रेडमी नोट फाइव प्रो की चौदह हजार रुपए और एक ओवर एड आ रखी होगी टाइम्स ऑफ इंडिया में आई फोन एक्स आर की जो कि लगभग साठ सत्रह हजार रुपए का स्मार्टफोन है अभी मुझे बताओ कि अलग अलग न्यूज में अलग अलग स्मार्टफोन की एड क्यों आई है सोचो थोड़ा सोचो इसका रीजन है दैनिक भास्कर जो लोग पढ़ते हैं वो हिंदी रीडर हैं और हिंदी रीडर लगभग वही लोग पढ़ते हैं जो कि ज्यादा एजुकेटेड नहीं है जो कि ज्यादा अच्छी जॉब नहीं कर रहे हैं ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं कमा पा रहे हैं सॉरी uh, अगर मैं ओफेंड कर रहा हूं किसी को बट दिस इज ए हार्श रियलिटी मैं स्टीडियो टाइप नहीं कर रहा हूं बट मैं यू नो रियलिटी बता रहा हूं तो हिंदी पढ़ने हिंदी न्यूज पेपर पढ़ने वाले लोग नॉर्मली रेडमी नोट फाइव को ही अफोर्ड कर सकते हैं और शायद इसी स्मार्टफोन को लोग परचेज भी करें जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज पेपर पढ़ते हैं वो लोग थोड़ा सा यू you नो know, अच्छी जॉब कर रहे होंगे अच्छा पैसा कमा रहे होंगे इंग्लिश पढ़ना आता है उन लोगों को इंग्लिश में चीज़ें समझ पाते हैं इसी वजह से टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर आईफोन एक्स की फोटो है बिकॉज जो आदमी महीने का चालीस पचास हज़ार रुपये कमा रहा होगा तो ऑब्वियसली वो, वो आईफोन खरीद सकता है तो इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया में आईफोन फोन एक्स की वीडियो आई है सॉरी ऐड uh, आई है और दैनिक भास्कर के अंदर रेडमी नोट फाइव प्रो की एड आई है तो ये डेमोग्राफिक पे डिपेंड करता है डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है कस्टमर का बिहेवियर क्या है और किस इंटरेस्ट ग्रुप से वो बिलोंग करता है तो ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं अभी एक और मार्केटिंग का चैनल हमारे पास है जो कि है एम एल एम और काइंड ऑफ ए पिरामिड स्कीम बट दीज टू आर वेरी डिफरेंट बट मैंने इनको एक साथ मर्ज कर दिया बिकॉज मुझे लगा कि शायद आप लोग समझ पाओगे ईजिली वेल एम एल एम जर्नली यूज़ होता है जितने भी एफ एम सी जी ब्रांड होती है एम वे आर सी एम वेस्टीज और पिरामिड स्कीम या फिर पौनजी स्कीम यूज़ होती है जितने भी फिनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं कि आज इतना पैसा डालो कल इतना पैसा हो जाएगा अपने लिए अपने अंडर तीन लोग चूज करो वो फिर तीन चूज करेंगे काइंड ऑफ एम एल मार्केटिंग होती है और इसका जो बेसिक जो पर्पज होता है वो होता है एज ए इन्फ्लुएंसर जब आपको लगता है कि मैं तीन लोगों को डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं कि मेरे को काफी लोग जानते हैं जो मेरी बातों पे भरोसा करते हैं तो अगर मैं उनको कोई भी प्रोडक्ट बेचूंगा तो वो खरीद लेंगे तो ये एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम करता है जैसे गांव में जो सरपंच होता है उसकी काफी लोग बात मानते हैं तो सरपंच अगर किसी को प्रोडक्ट बेचेगा तो वो लोग खरीद लेंगे क्यों भाई सरपंच कह रहा है प्रोडक्ट तो खरीदना पड़ेगा सरपंच एक्ट एज ए इन्फ्लुएंसर ताकि वो और लोगों को प्रोडक्ट बेच पाए तो अगर सरपंच को हम लोग टॉप पे बिठा देंगे तो वो काफी लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनको फर्दर प्रोडक्ट बेचने के लिए कन्वेंस कर सकता है ऑब्वियसली एम या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपका कमीशन इन्वॉल्व होता है हर लेवल के ऊपर बट आजकल मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर पिरामिड स्कीम पोंजी स्कीम उतनी फेमस नहीं हो रही है बिकॉज कंज्यूमर काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं उनको पता है कि उन्हें खुद क्या खरीदना चाहिए और दूसरों के बेकाउ में आजकल कम आते हैं